नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिलीप मौर्य है। आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 6 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां सभी प्रश्न आप सभी को किसी न किसी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विधवा महिला दोबारा विवाह कर सकती है, ये कानून कब बना था? ऑप्शन ए 1753 में, ऑप्शन बी 1856 में, ऑप्शन सी 1563 में, ऑप्शन डी 1465 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1865 में। क्वेश्चन नंबर 2, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी वैदिक अवधि में, ऑप्शन डी आर्य अवधि में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आर्य अवधि में। क्वेश्चन नंबर 3, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार का क्या नाम था? ऑप्शन ए इस्माइल, ऑप्शन बी उस्ताद ईसा, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन डी शाह अब्बास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उस्ताद ईसा। क्वेश्चन नंबर 4, लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 5, किस राजा ने इबाद खाना बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 6, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद का, ऑप्शन बी अहमदनगर का, ऑप्शन सी मैसूर का, ऑप्शन डी बीजापुर का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैसूर का।